हेलो बच्चों, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन लोगों से आज मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछूंगा और इस दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि साइन ए अगर 1/2 के बराबर है तो आपको बताना है कि कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने में √3, दूसरा ऑप्शन है 1/√3 और तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा ऑप्शन है 1। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है, इसका आप लोगों को सही का आंसर चुनाव करना है। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यह भी एक सिंपल सा सवाल ही है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1/√2, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा ऑप्शन है 1। इस दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है और उम्मीद है आप दोनों सवाल का आंसर ज़रूर सही देंगे। तो आप लोगों का आंसर हम कमेंट के माध्यम से ही बता देंगे कि किन लोगों का सही है और किन लोगों का गलत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।